इनका प्रश्न है, ईर्ष्या का अर्थ क्या है और ये मन में क्यों आती है? यही भावनाओं का युक्ति संगत अर्थ तो हो सकता है, कुछ तर्क तो हो सकता है, कुछ ऐसा तो हो सकता है कि हम शब्दकोश में से एक अर्थ को निकालकर बोल दें ये अर्थ है, परंतु भावनाओं का कोई अर्थ नहीं होता, भावनाएं निरर्थक होती हैं अपने आप। अर्थ मनुष्य हर चीज का निकालता है यहां से, और भावनाएं महसूस होती हैं यहां से। यहां से तो वो बुनता है, यहां से पहनता है, या उस जाल में फंसता है जो जाल यहां से बुन रहा है। तो ईर्ष्या एक ऐसी भावना है कि जो स्त्री है उसके लिए ईर्ष्या रहित होकर जीना लगभग लगभग असंभव है। यह सत्य बात है। पुरुष जो है वो अंधा होता है काम में, स्त्री जो है वो अंधी होती है ईर्ष्या में। उसकी भावनाएं ईर्ष्या से ही जागृत हैं, सब वो ईर्ष्या में ही हर चीज को रखना चाहती है, संजोना चाहती है, अपनाना चाहती है। शायद ईर्ष्या इसलिए भी होती है क्योंकि जब आप सब कुछ समर्पित कर देते हो अपना, पुरुष उतना समर्पित पुरुष के लिए होना बहुत मुश्किल है जितना कि स्त्री समर्पित कर पाती है अपने आप को। जब एक स्त्री ने सब कुछ समर्पित कर दिया, एक व्यक्ति ने सब कुछ समर्पित कर दिया, उसके बाद जब उसको लगता है अरे मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, अपना प्राण तक दे दिए, अपनी भावना, अपनी आत्मा, तन मन धन दे दिया, परंतु मैंने सोचा था कि मेरे ये बलिदान से, ये जो मैं मोल दे रही हूं इससे ये चीज मेरी हो गई, परंतु फिर उस चीज को जब कोई और लेता है थोड़ा सा भी तो आपको लगता है अरे ये तो मेरी चीज है। तो ईर्ष्या के मूल जो है, ईर्ष्या का बीज क्या है? अहंकार। ईर्ष्या का बीज है अहंकार, और उसको पानी मिलता है इच्छाओं का, उससे जो है ईर्ष्या का पेड़ उगता है और उस पर फल लगते हैं आशाओं के, आशा के फल लगते हैं उस पर। मनुष्य को ईर्ष्या से आशा जागृत होती है, यदि आशा नहीं तो ईर्ष्या नहीं। और इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक है जेलसी, एक है एनफी। तो एक तो होती है प्रतिस्पर्धा होना, स्पर्धा होना, किसी प्रकार का कंपटीशन होना, उसमें तो आप अपनी उन्नति के लिए, स्वयं को अग्रसर करने के लिए अपने आप को एक तुला में तोल लेते हो कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, मुझे उस अवस्था तक पहुंचना है, वो एक अलग बात है। ईर्ष्या होती है जब आपको दूसरे से जलन हो रही है। तो जब जब मनुष्य के मन में स्वयं का स्वार्थ प्रबल होता है तब तब ईर्ष्या ज्यादा होगी। कभी ना कभी तो सबके लिए थोड़ा सा भाव ईर्ष्या का सबके मन में आ जाएगा। ईर्ष्या के आने का अर्थ ये नहीं है कि आप एक निम्न कोटि के मनुष्य हो गए, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब उच्च अवस्था को नहीं प्राप्त हुए या हो नहीं सकते, बस इतना सा है कि जब ईर्ष्या का भाव आया, जो व्यक्ति स्वयं का शत्रु है वो उस भाव के साथ बह लेता है, उस भाव से निकल नहीं पाता, और जो स्वयं का मित्र है, जो किसी अवस्था में एक अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसके भाव को आते ही वो तुरंत अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या मैं इतना गिरा हूं कि मेरे मन में ये भाव क्यों आ रहा है। अपने आप को वो पूछ सकता है कि मेरे मन में ये भाव क्यों आ रहा है, मैं किससे जल रहा हूं, क्यों मेरे मन में ये जलन हो रही है। तो जिसमें कुछ शेष ना रह जाए आपके चित्त का, ईर्ष्या, वो ईर्ष्या हो गई। आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है जब आप ईर्ष्या में आ जाते हो, क्योंकि अब आप केवल दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आपने अपने आप को दूसरे के पैमाने में रख दिया। अब आप दूसरे के भाग्य पर प्रश्न उठा रहे हो, दूसरे के प्रारब्ध पर प्रश्न उठा रहे हो, ये भूल जाते हो
कि दूसरा जो कमाकर आया है वो दूसरा अवश्य खाएगा। फिर मनुष्य को लगता है मैं चाहे फेंक दूं या कुत्ते को डाल दूं, दूसरे को ना मिले। ऐसा ही होता ना, मेरी थाली में जो पड़ा है वो मैंने कमाया है, मैं इसका जो मर्जी करूं, दूसरे इसकी ओर देखे ना। वो ईर्ष्या है, अहंकार का भाव है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ऐसा कोई नहीं जिसके मन में कभी ना कभी ईर्ष्या का भाव ना आया हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमने इस संसार में प्रेम को एक बहुत गलत परिभाषा दे दी है। हम ये सोचते हैं प्रेम का अर्थ होता है कि तुम्हें मेरी कितनी आवश्यकता है, जितनी ज्यादा मुझे तुम्हारी आवश्यकता उतना अधिक मुझे तुमसे प्रेम। ये एक धारणा है मनुष्य को। जब कोई किसी से पूछता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, वो ये पूछ रहे तुम्हें मेरी आवश्यकता है या नहीं, क्या तुम मुझे याद करते हो दिन में एक बार या 100 बार, या मेरा नाम जपते हो या नहीं। अगर एक व्यक्ति बोले नहीं मुझे तुम्हारी याद आती ही नहीं, नहीं मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तो हम सोचते हैं अगर आवश्यकता नहीं तो इसका मतलब प्रेम नहीं। आवश्यकता में हम नेचुरली स्वाभाविक रूप से उसका स्मरण करते हैं जिसकी हमको आवश्यकता है, परंतु वो प्रेम की परिभाषा नहीं। वो तो एक पंछी को पिंजरे में बंद करने की परिभाषा है कि तुम मेरी आंखों के आगे रहो, तुम मिट्ठू हो, तोते हो, मैं तुम्हें हरी मिर्ची भी दूंगी या दूंगा, और तुम्हें चांदी के कटोरे में पानी दूंगा, पर रहो तुम मेरे सामने, पिंजरे के अंदर कर लो जो करना है, पिंजरे के अंदर गाली दे दो, पिंजरे के अंदर भगवान का नाम जप लो, चलेगा। बाहर उड़ के जाने की बात मत करना, मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना, क्योंकि वो नहीं चलेगा। तो ईर्ष्या का मूल बीज जो है वो अहंकार है। अहंकार हो गया ना, हमको लगता है कि मैं कुछ हो गया, परंतु इतनी बड़ी सृष्टि में, इतने अनंत सृष्टि में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बस उसी को बोलते हैं अहंकार से ऊपर उठना। जिस दिन आपके मन में यह बात घर कर जाए कि जो मैं लिखा के आया हूं मेरे भाग्य में, मैं अपने कर्म पर स्थित रहूंगा, मुझे वो प्राप्त होगा ही होगा, जो दूसरे के भाग्य में उसको मिलेगा ही मिलेगा। कोई अगर पक्षपात हो रहा है तो वो व्यक्ति वो अर्जित करके आया है, लेकर आया है, अपना कमा कर आया है। जिस दिन आपके मन में ये घर कर जाए बात, ये बात जमकर बैठ जाए बढ़िया ढंग से कि मैं अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हूं और दूसरा दूसरे कर्मों के लिए उत्तरदायी, सबको अपने कर्मों का पता ही है। इतनी अनंत अथाह सृष्टि में ऐसा लोक न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। ऐसा मेरा धाम है अर्जुन, वहां एक बार जो मनुष्य पहुंच जाता है उसके लिए उससे कोई वापस उसका लौटना नहीं है। कितनी बड़ी सृष्टि है, उसमें कहां मनुष्य, क्या कीड़े और क्या मकौड़े, क्या मनुष्य और क्या मनुष्य की इच्छाएं, क्या उसका तोल मोल और क्या उसका जो भी उसका धन संपत्ति वैभव, कहां क्या अस्तित्व है, कुछ भी नहीं। तो अहंकार से ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं होता कि हम बोले जी मैं लेट गया मेरे ऊपर से निकल जाओ सब लोग, वो मूर्खता है। अहंकार से ऊपर उठने का अर्थ ये नहीं आप अपना ध्यान नहीं रखोगे। अहंकार से ऊपर उठने का अर्थ है आपका समर्पण इतना दृढ़ हो जाता है, आपका भाव इतना सशक्त हो जाता है कि आप जान लेते हो कि मेरा सुख और मेरा आनंद उसी में है यदि दूसरे भी सुखी और आनंदित रहेंगे। आप ये जान लेते हो कि मेरी गति केवल उसी में है यदि जैसे मुझे ईश्वर चलाना चाह रहे हैं वैसे मैं चलूं। और ये सुलभ नहीं है, ये सरल नहीं है, सुगम नहीं है, इसके लिए मनुष्य को अभ्यास करना पड़ता है। परंतु धीरे 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 शनै शनौ परमेद बुद्धिर गृह्यता आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै होता है कौन तय, धीरे धीरे मनुष्य का बुद्धि जो है
और धृति जो धारण करने की जिस भावना को वो जैसे स्वीकार करता है वो उसके वश में आनी शुरू हो जाती है। फिर वो अपना मन एकाग्र तभी कर पाता है ना किंचित अभी चिंतित, फिर इधर उधर का चिंतन नहीं करता, एक ही भाव में तभी जाकर वो स्थित हो पाता है। तो ये ईर्ष्या का अर्थ है। ईर्ष्या का भाव मन में आए तो अपने आप को बुरा मत समझो, बस ये जानो कि उस समय लिख लो शायद कि मैं इस समय ईर्षित महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, और जिससे ईर्ष्या करे उसको भेज दो वो कागज देख के और मैं इसलिए महसूस कर रहा हूं, कागज मत भेजना ठीक है, ईमेल भेज देना फटाफट पहुंचेगी, भेज के फिर अरे ये नहीं भेजनी थी अब तो चली गई क्या करें तो जो भी भाव है उस समय आप लिख दो कि मेरा ये भाव है क्यों आ रहा है और जिससे मुझे ईर्ष्या हो रही है क्यों हो रही है। युद्ध मत करो अपने आप से, ये मत कहो नहीं नहीं मैं ऐसा महसूस नहीं, मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, चाहिए चूहे कुछ नहीं होता प्रकृति के खेल में, ऐसा मत सोचो मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए या जिनसे मैं ईर्ष्या कर रही हूँ वो उनका अपना कर्म है ये है वो है। अपने आप को सांत्वना मत दो समय, उस समय केवल चिंतन करो कि मुझे कौन सा भाव आ रहा है और क्यों आ रहा है, मूल कारण क्या है। अपने आप जब मन से बात करनी सीख जाओगे तो मन मौन हो जाता है, और जिसका मन मौन है वो व्यक्ति समाधि में है। यही है, कोई भी भाव आए कोई भी नकारात्मक भावना आए कभी भी अपने आप से युद्ध मत करो, ना ही अपने आप को ऐसा समझो कि अरे मुझमें ऐसा विचार कैसे आ गया या मुझमें ऐसा भाव कैसे आ गया, मैं तो ओम स्वामी को मानता हूं फिर भी इतने उनके किताबें पढ़ी, इतने ब्लॉग पढ़े, इतनी आरती की, इतनी बार मंदिर गया, इतनी बार आश्रम गया, इतनी बार गुरुद्वारे में जाके माथा टेका, फिर भी मेरे में ये भाव, ऐसा मत सोचो। तदस्ति पृथिव्याम वादिवी देवेशु वाह पुनः, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है, सत्वम प्रकृति रजायर मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिविर्गुण। सत्व रजस और तमस के गुण जो हैं चलते रहेंगे, कोई नहीं है अर्जुन जो उनसे मुक्त ना हो, मुक्त हो। कभी ना कभी किसी ना किसी को आकर किसी ना किसी अवस्था में पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। आप कितने ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जुकाम लग सकता है, नजला हो सकता है, खांसी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हो जाता है इसका ये अर्थ नहीं आपने ध्यान नहीं रखा, मौसम ऐसा है, हवा ऐसी है, चल पड़ी। ठीक उसी प्रकार जब भावनाओं का जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो थोड़ी दवा दारू कर लो, पीने वाली दारू नहीं वो दूसरे वाली, थोड़ा अपना ध्यान रख लो, उस भाव को प्रश्न करो कि मैं इस समय क्या अनुभूत कर रहा हूं और क्यों, क्या कारण है। जैसे ही आप कारण को पूछोगे मन को, मन बाध्य हो जाता है वो जो शोर से उठकर वास्तविक बात को बोलने के लिए, नहीं तो मन शोर मचाता है, वो शोर में इतना कोलाहल होता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब आप एक भीड़ वाली सड़क पर चले जा रहे हैं लगता है सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत व्यस्त हैं, जबकि सब लोग बैठ के ऑफिस पहुंचते ही चाय पियेंगे, किसी को जल्दी नहीं है, पर सड़क पर चलते हुए सबको मारा मारी वो हॉर्न बज रहे हैं जोर जोर से कि हटो रास्ते से, मुझे काम पे पहुंचना है, मैं देश चला रहा हूं, पर वहां जाके किसी को काम करना नहीं है। तो ऐसी मन जब शोर मचाता है ना तो आप थकना शुरू हो जाते हो, इधर से गाड़ी ऐसे आ रही है एक भावना की, दूसरी भावना की, इंडियन रोड्स है वो, दूसरी भावना की ऐसे आ रही है, तीसरी ऐसे जा रही है, वो जोर से हॉकिंग हो रही है, और आप चले जा रहे हो, इधर से कोई आ गया, उधर से कोई आ गया, तो लगता है बस घर पहुंचे अब, तो उसमें एक व्याकुलता पैदा होनी शुरू हो जाती है। किसी भी नकारात्मक और सकारात्मक भाव में अंतर क्या है, मूल अंतर यही है, प्रेम तो भी नकारात्मक हो सकता है ना, प्रेम में तो भी हम ऐसे हो सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति को बस मैं ही ले लूं। तो नकारात्मक नेगेटिव और सकारात्मक पॉजिटिव भाव में अंतर क्या हुआ फिर? अंतर बस इतना सा होता है, जो एक नेगेटिव इमोशन है, नकारात्मक भाव है, वो आपको व्याकुल कर देता है, उससे आप विचलित हो जाते हो, उससे सब चीज बस दैन्य अवस्था में लगती है, दीनहीन क्षीण
क्षुद्र लगती है, छोटी लगती है। जब आप एक सकारात्मक भावना में हो, जैसे कि प्रतिस्पर्धा का भाव है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या छुपी हुई है, थोड़ी सी बस, एक बीज है कहीं ना कहीं, परंतु उसमें आप एक आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, तो वो मूल अंतर होता है। तो अपने आप को पूछो, इस समय मुझ में कौन सी भावना आ रही है, और उसको लिख लो। कभी कल को पति पत्नी से लड़ाई हो तो बीच में बंद करके एक किताब ले आओ, बोलो दो मिनट रुको, मैं बताती हूँ मुझे कैसे इसका उत्तर देना है। पहले मैं लिख लूँ इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी बात मानिए, आपकी लड़ाई उसी समय खत्म हो जाएगी। वो बोलेगा इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से मैं नहीं लड़ सकता। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।